जिताना चाह रहे हैं। जैसे कि मंत्री जी, कुछ लोग मतलब अभी भी इधर उधर हो रखे हैं, आपने बताया कि अभी 11 लोग, तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी इधर उधर हो रखे हैं और खासकर न्यू वोटर हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो नए मतदाता हैं 18 साल वाले, तो मेरे पास पहले मकान भी नहीं था और गौशाला भी नहीं था, तो मुझे प्रधान चाहता हूँ। पूरा देश मोदीमय हो चुका है और कल योगी जी आए थे और योगी जी को सुनने के लिए 20,000 लोग आए थे और योगी जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह और अलग ही जोश देखने को मिलता है, जैसे कि हमें CM योगी आदित्यनाथ की रैली में कल देखने को मिला था। तो आजकल भाई यूट्यूबर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि कहीं पर भी प्रचार करने जाना होगा तो कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते हैं। तो पिछली एक वीडियो में भूपी भाई का कमेंट आया था कि तुम जो है कि सिर्फ BJP को सपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ BJP की रैली में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो लोग हमें पहचानते हैं हम उन्हीं को पहचानते हैं। तो जैसे कि हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं विकास चाचा जी नलाई गांव से, तो वो हमें फ़ोन करते हैं जब भी कहीं पे रैली होती है, जब भी कहीं पे प्रचार होता है। तो हमारा काम क्या है, कंटेंट बनाना, लोगों से जानना। आप देखते ही होंगे कि हर वीडियो में हम लोग महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की क्या राय है, तो उनके मतलब जहन में क्या है कि वो वोट किसको देने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कंटेंट बनाते हैं, तो जो हमें पहचानते हैं तो हम उन्हीं के साथ जाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी जो है कि सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जो है कि नलाई गांव के लिए निकल पड़ा हूँ। आज जो है कि नलाई में मीटिंग होने वाली है मंत्री जी की, डॉक्टर धन सिंह रावत जी की, और तो नलाई वाले लोगों से जानेंगे हम लोग कि उनके विचारधाराएँ क्या हैं, क्या क्या उन्होंने बदलाव देखे हैं और क्या क्या जो है कि आने वाली सरकार को कैसे वो देखते हैं, कैसे वो चुनते हैं। तो वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ हैं हमारे पंकज भाई। तो पंकज भाई ने जो है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी एक नई बाइक ली है, तो उसकी बहुत सारी बधाई। धन्यवाद आपका। तो पंकज भाई से जानेंगे कि उनके गांव में कैसा माहौल बना है इस बार, क्योंकि आने वाले टाइम में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है। तो आपके गांव में कैसे कैसे सीन बना हुआ है इस बार? गांव में सीन का तो क्या बताना है, यहां पे हर कोई मोदी से ही हुआ है कि मोदी का परिवार यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आज हमारे बीच बल धन सिंह रावत जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में हमने अब छोटी सी व्यवस्था की है उनके लिए। बाकी हाँ, तो मतलब आप भी मोदी वाले हो, आपकी फैमिली मोदी वाली है। हाँ, वो तो है। तो वोटिंग के टाइम पे एक अलग ही जुनून होता है सभी के, मतलब सही बात। हमने बहुत प्रचार के थे उस समय, फर्स्ट मोदी जी का उस समय। हाँ, और जो जब 2017 में मोदी जी आए थे ना, तो उस टाइम तो भाई श्रीनगर में जगह भी नहीं थी। तो दोस्तों, जो है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी के और अनिल बलोनी जी के कार्यक्रम में महिलाएं जुड़ने लगी हैं नलाई ग्राम सभा की, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश मेरी गांव। तो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि BJP के कार्यकाल में भाई कितना काम उनके गांव में हुआ है। तो सबसे पहले बुढ़िया, आपका नाम क्या है? राजनीति ग्राम नलाई। नलाई, तो आपके देखते हुए मतलब आपके गांव में क्या क्या कार्य हुआ है BJP के चलते? बस हमारे गांव में पानी की भी बहुत मुसीबत थी, और कोई भी मुसीबत थी हमारे गांव में सब कुछ अच्छा हो रहा है मोदी से। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी देवी, मेरे गांव का नाम ग्राम नलाई। मैं तो मतलब तुम्हारे देखते हुए गांव में क्या क्या काम हुआ है? साफ सफाई अच्छी हुई है, मतलब सफाई बहुत अच्छी रही मोदी जी के आने के, पंचायत भवन बना और पानी की सुविधा मिली हमें, बहुत दिक्कत थी पानी की, राशन मिली और विद्यालय बनाए। सुनीता देवी। तो मतलब इस बार सोचा है मोदी जी को पूरे बहुमत से जिताने? हाँ जी। तो आपके देखते हुए मतलब आप हमसे काफी बड़े हैं, तो आपके देखते हुए मतलब कुछ क्या क्या कार्य हुए हैं गांव में? बहुत ज्यादा कार्य हुए, महिलाओं को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। बाबा मेरा नाम श्यामा देवी। आपके देखते हुए गांव में अच्छे कार्य हुए BJP के? बहुत अच्छा हुआ कार्य, सारी
मोदी जी के प्रताप सारे गाँव में बहुत बहुत विकास तो बीजेपी जीतो फिर हाँ बाबा मोदी जीतो तुम्हारा नाम क्या चाहिए तो आपके देखते हुए मतलब गांव में अच्छा कार्य हुए हाँ बना लेंगे मैं पेंशन मैं ग्राम सभा नगों की हूँ हाँ मेरे नाम गीता देवी है तो मेरे पास पहले मकान नहीं था तो मुझे प्रधानमंत्री का आवास मिला और मुझे पेंशन भी मिलती है फ्री का राशन भी मिलता है तो मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खुश हो मतलब आप हाँ हाँ मोदी जी से बहुत खुश हूँ आगे भी मोदी जी का ही ध्यान रखूँगी बहुत बहुत तो दादी आपका नाम क्या है तो आपको क्या क्या फायदा मिला है सरकार की योजनाओं से राशन भी मिले पेंशन भी मिल गई और सब कुछ ठीक है पानी भी मिल गई गैस भी मिल गई है एक बार फिर से मोदी जी तो जीतो हाँ अब मोदी जी हमारा बस आप बनो क्या था पार्वती देवी ग्राम ने लाई हाँ आप तभी मिल ली योजना मिली हमको ठीक है एक बार फिर से जीता ने ठीक है तो देखिए दोस्तों नलाई और यहाँ पे नौगांव ग्राम सभा की महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं तो सभी का मत है कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी की उस सरकार को बनाना है तो अभी और भी लोग आएंगे तो उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे तो जो है कि इस वक्त हमारे साथ हमारे चाचा जी भी हैं और अध्यक्ष जी भी हैं तो अध्यक्ष जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमने श्रीनगर क्षेत्र में देखा कि योगी जी के समर्थन में कितनी जो है कि जनता वहाँ पर पहुँची थी तो इस पर आपका क्या कहना है कि इस बार लोगों के दिलों में क्या है एक बार फिर से लोग मोदी जी को जिताएंगे यहाँ से जी मैं कुलदीप हम आपको बताना चाहता हूँ पूरा देश मोदीमय हो चुका है और कल योगी जी आए थे और योगी जी को सुनने के लिए 20,000 लोग आए थे और योगी जी का एक संदेश गया कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को तीसरी बार लाना है और प्रत्येक वोटर के दिल में हम गांव-गांव जा रहे हैं लोगों को पूछ रहे हैं तो लोग यही बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी की गारंटी है कि पूरे भारत देश का विकास करना हमारी हिंदुओं का विकास करना और हमारे देश को विश्वगुरु बनाना प्रत्येक वोटर यही बोल रहा है कि आज दिन तक कांग्रेस ने हमें जातियों में बांटा जातियों में ठगा और आदरणीय मोदी जी ने जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसी के साथ में जनता का भी अभी आदरणीय मोदी जी के साथ में विश्वास बना हुआ है और माननीय मोदी जी 400 पार और हमारे जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी 5,00,000 वोटों से अधिक से चुनाव जीत रहे हैं ठीक है आपकी बातों से ऐसा लगता है कि गढ़वाल की जो जनता है इस बार मोदी जी के गले में 5 कमलों की माला डालने वाली है तो यहाँ पे हमारे चाची जी भी हैं तो चाची जी आपको कैसा लग रहा है इस बार मतलब माहौल इस बार माहौल बहुत अच्छा है और लोगों का काफ़ी रुझान है मोदी जी के फेवर में और अब की बार 400 पार और यहाँ पे हमारे मामा जी भी हैं आप नहीं बोलिए तो यहाँ पे अंकल जी हैं तो अंकल जी से जानते हैं आपका हाँ जी हम ये चाहते हैं कि इस बार मोदी जी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन तो है ही है 400 पार का नारा है और मोदी जी जो है ना देश विश्व गुरु के बनाने के उसमें हमारा देश जो है आगे जो है 2047 तक विकसित भारत बनाने के जो उसमें हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है मोदी जी के उसमें शासन में और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है सभी गरीबों को अच्छा मिल रहा है और हमारे गढ़वाल का भी विकास हो रहा है और हमारे लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड की और सारी के सारे बीजेपी जीत रही है यहाँ से हाँ तो इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं सोशल मीडिया पर जो भी लोग इस वक्त उनको देख रहे हैं और मेरे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्ते देखिए सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का बहुत स्वागत कर रहा हूं कि लोग इस बार मोदी जी के विकास के साथ खड़े हैं लोग विकसित भारत की योजना जो प्रधानमंत्री जी के उसके साथ खड़े हैं
दूसरा लोगों को अभी विश्वास हो गया है कि भारत को अगर तीसरी विश्व की महाशक्ति बनानी है तो मोदी जी बना सकते हैं। मोदी जी गरीब कल्याण की योजना मोदी जी ला सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि इस समय 80% लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं आजकल कि गांव-गांव में लोग हम जैसे नारा लगाते हैं कि अब की बार, तो लोग कहते हैं 400 बार, तो ये नारा गांव-गांव तक है। और मैं इस बार ये कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में जितने भी चुनाव हैं, इस बार के चुनाव सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और मोदी जी को और बलूनी जी को प्रचंड मतों से लोग जिताना चाह रहे हैं। जैसे कि मंत्री जी, कुछ लोग मतलब अभी भी इधर उधर हो रखे हैं, आपने बताया कि अभी 11 लोग, तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी इधर उधर हो रखे हैं और खासकर न्यू वोटर हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो नए मतदाता हैं 18 साल वाले, उन सबको पता है कि देश का विकास कौन करेगा, क्षेत्र का विकास कौन करेगा। और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीब कल्याण हो, युवा हो, महिला हो, ये समुचित विकास अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये क्षेत्र चूँकि ट्रेडिशनली पहले कांग्रेस का क्षेत्र था, लेकिन 1991 से के लेकर अब तक धीरे 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 आप लोगों के लग गया है कि कांग्रेस ने नारों के अलावा कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास काम किए हैं, तो आप लोग विकास कार्यों के साथ जुड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी तक 18,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया पूरे प्रदेश में। हमारी विधानसभा में भी अभी तक लगभग 1400 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों की भी समझ में आ रही है और अब लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, हमारे इलाके का विकास हो। यहाँ जो एयर कनेक्टिविटी थी वो भी हमने ठीक कर दी है, टावरों की दिक्कत थी तो टावर भी हम लगा रहे हैं, रोड बहुत अच्छी बना दी हैं, स्कूलों के लिए पैसा हमने दे दिया है, पंचायत घरों के लिए दे दिया है, घर घर पानी हम दे रहे हैं। तो अब लोगों की समझ में आ गया है कि कांग्रेस जुमलों के अलावा कुछ नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी विकास के अलावा कुछ नहीं करती। धन्यवाद सर आप।